शांति राजयोग अथवा राज विद्या की इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है अभी हम बेसिक कोर्स का लेसन सेवन कवर कर रहे हैं लेसन सेवन का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है भगवान का नाम अपने भगवान की पहचान के ऊपर कुछ स्लोक्स देखे जिससे आपको ये पता चला कि स्वयं भगवान आके ही अपना परिचय देते हैं और कालचक्र के अनुसार हमने आपको पहले ही प्रूव कर दिया कि भगवान इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं तो अभी ये जो भी ज्ञान आप सुन रहे हैं वो स्वयं परम पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं भगवान उनकी निरा स्थिति का प्रतीक एक मनुष्य के मनुष्य तन द्वारा हमें दे रहे हैं साबित कर रहे हैं तो आज के सेशन का फोकस है भगवान का नाम भगवान का नाम क्या है अभी अगर मैं आपको पूछूं कि आप के लिए भगवान का नाम क्या होगा तो आप लोगों में से जो भी सोचेंगे वो सब अलग अलग नाम होंगे भगवान के कोई ये नहीं कहेगा कि भगवान का एक नाम है भगवान एक है लेकिन अनेकों नाम है भगवान के ऐसे ही कहेंगे और कोई कहेंगे कि भगवान का तो कोई नाम ही नहीं होता है वो नाम रूप से न्यारा है लेकिन हकीकत क्या है वो तो स्वयं भगवान ही बताते हैं अभी हमने जिन का भी नाम सोचा है वो स्वयं भगवान के नाम नहीं है क्योंकि भगवान का एक ही नाम है हम सब देहधारी का नाम सोचते हैं या फिर भगवान ने जो कर्तव्य किए होते हैं, तो उस कर्तव्य के आधार पर उनको जो नाम दिया होता है वो हम सोच रहे हैं लेकिन वास्तविक रूप में स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा की आत्मा का नाम हमने कभी नहीं सोचा तो चलिए ये सेशन में जानते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं हमने पिछले सेशन में देखा कि आत्मा और भगवान में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं उसमें से एक डिफरेंस है कि भगवान की आत्मा का नाम पड़ता है हमारी आत्मा का नहीं हमारे शरीर का नाम पड़ता है क्यों भगवान की ही आत्मा का नाम पड़ेगा परम पिता परमात्मा का ही नाम पड़ेगा और हमारा नहीं वो भी हम जानेंगे इस सेशन में ठीक है तो ये भगवान के महावाक्य है भगवान कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि मेरा नाम शिव है क्योंकि शास्त्र में हर एक नाम काम के आधार पर है तो भगवान कहते हैं मेरा नाम भी काम के आधार पर ही है भगवान ऐसा क्या काम करते हैं सदा काल के लिए उनकी विशेषता भी बन जाती है उनके का वो महत्वपूर्ण गुण भी है कि जब भी आते हैं वही गुण को रिफ्लेक्ट करते हैं और वही हमेशा उनके साथ रहता है तो वो गुण है कल्याणकारी भगवान आके हमारा कल्याण करते हैं सबका कल्याण करते हैं इसीलिए उनका नाम शिव है अभी आप लोगों में बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि हमने भी सोचा था शिव हां आपने सोचा था शिव नाम लेकिन आपने शरीरधारी को देखकर सोचा था शिव शंकर जब हम कहते हैं तो शंकर को ही शिव मान लिया है हमने लेकिन वास्तव में वो गलत है शरीरधारी का नाम शिव नहीं है शिव यहाँ परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप का नाम है शिव एक ज्योति बिंदु का नाम है लेकिन वो ज्योति बिंदु शिव तभी कहलाता है जभी वो एक मनुष्य शरीर में प्रवेश करे जो उनका रथ है, जिनको हर में किया गया है स्वीकारा है अलग अलग नामों के नामों से जाने जाते हैं जैसे कि शंकर सनातन धर्म में आदिदेव आदिनाथ जैनिज्म में एडम क्रिश्चियनिटी में आदम मुसलमानों में तो यही मनुष्य के पिता है जिनमें भगवान प्रवेश करते हैं और उस शरीर के आधार पर ही शिव का अस्तित्व साबित होता है क्योंकि वो एक्टिव होते हैं वो जीवित बनते हैं और कर्तव्य करते हैं अपने गुण को एक्सप्रेस करते हैं जो उनके साथ सदा काल के लिए रहता है जो उनकी पर्सनालिटी ही है तो शिव माना कल्याणकारी जैसे हमने पहले भी देखा है दुर्योधन युद्ध करने वाला रावण वाला राम सबको खुशियों में रमण कराने वाला ठीक है योगी लोग जिसमें रमण करते हैं ठीक है तो वैसे ही भगवान का नाम भी उसके काम के आधार पर है शास्त्रों में भी जैसे अगर शिव को आप दो शब्दों में इधर डिवाइड करो तो उसका अर्थ भी संपूर्ण गुजनसी आता है संपूर्ण शुभता श और ईव से बनता है शिव जिसका मतलब है श माना शुभ ईव माना संपूर्ण संपूर्ण शुभ संपूर्ण कल्याणकारी इसलिए भगवान कहते हैं मैं सिर्फ थोड़े समय के लिए या कुछ समय के लिए कल्याणकारी नहीं हूं लेकिन मैं सदा काल के लिए कल्याणकारी हूँ जब भी भगवान आते हैं कल्याण ही करते हैं उसके हर एक कर्म में शब्द में कल्याण ही कल्याण है तो इसलिए अभी भगवान आए हुए हैं। वो कल्याणकारी इसलिए है क्योंकि वो सत्य है क्योंकि वो सत्य है और कल्याणकारी है इसलिए सुंदर है इसलिए जब भक्ति मार्ग में हम कहते हैं ब्रह्म देवताए नमः विष्णु देवताएं नमः शंकर देवताए नमः हम शिव को सबसे ऊंचा रखते हैं शिव परमात्माए नम क्योंकि तो शिव सबके पिता है उसको हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं क्योंकि वो उनकी निराकारी स्थिति को रिफ्लेक्ट करता है प्रकाशित करता है भगवान शरीर में आके भी खुद तो निराकारी स्थिति में रहते ही है लेकिन जिसमें आते हैं उनको भी उनके जैसा बनाते हैं कोई चमत्कार से नहीं बस उनकी सत्यता के आधार पर जिसका प्रतीक है शिवलिंग शिवलिंग में ज्योति बिंदु है शिव और शरीरधारी की यादगार है लिंग लिंग काला इसलिए दिखाया गया है क्योंकि भगवान अभी जिस तन में आए हैं वो एक प्रतीक तन है साधारण मनुष्य तन पति साधारण मनुष्य तन okay, बहुत सिंपल है तो स्वयं भगवान आके अपना परिचय दे रहे हैं ना पॉइंट ऑफ लाइट को निराकार नहीं कहते हैं लेकिन निराकारी स्थिति की यादगार में शिवलिंग बनाया जाता है क्योंकि भगवान कहते हैं ना मैं पूज्य हूँ ना पुजारी तो भगवान की पूजा नहीं हो सकती है क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है एक मनुष्य तन में आते हैं कोई शरीर का लोन लेते हैं ठीक है? तो भगवान कह रहे हैं कि जिस शरीर में मैं आता हूं, उसमें भी रहकर मैं निराकार स्थिति में रहता हूँ पर ही मैं सबका कल्याण करता हूँ और किसी को सैंपल बनाता हूँ जिसके आधार पर सब लोग आ, मेरी पालना का अनुभव कर सके ठीक है तो भगवान जिसमें आते हैं वो नंबर वन आ, बच्चा होता है जिसको हम शंकर के नाम से जानते हैं जो उनकी जैसी निराकरी स्थिति प्राप्त करते हैं जिसको लिंग रूप में हम पूछते हैं ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि आप अभी भगवान एक जगह पर आए हुए हैं वो विश्वास करो भगवान अभी सब जगह नहीं है ऊपर नहीं है भगवान एक ही मनुष्य तन में है ठीक तो है ये सच्चाई की जानकारी ही उसका प्रतीक है क्योंकि तो वो शरीर में आके ही वो मुख से बोलता है आकाशवाणी करता है ठीक है शिव का पहला मंदिर द्वापर में बनाया गया था सोमनाथ मंदिर था पहला पहला मंदिर आज से 2500 साल पहले ठीक है और शिव की जितनी पूजा होती है ना कितनी किसी की किसी देवता की पूजा नहीं होती है ना पुराने मंदिरों में शिवलिंग को बीच में रखा जाता था क्योंकि वो पिता है ठीक है और बाकी सब देवताओं को शंकर सहित आसपास रखा जाता था कि वो सब बच्चे हैं ना ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा काम ऊंचा तेरा धाम भगवान का नाम भी ऊंचा है काम भी ऊंचा है धाम भी ऊंचा है ठीक है तो उनको ऊंच ते ऊंच पदवी भी दी जाती थी अभी भगवान कर्तव्य कर्तव्य करके ही प्रूव कर रहे हैं ना मनुष्य तन के द्वारा सब धर्म की आत्माओं ने उनको पहचाना है उसी मनुष्य तन में इसीलिए दुनिया के हर एक कोने में कोई भी देश में जाओ शिवलिंग की यादगार आपको जरूर मिलेगी कोई भी धर्म की आत्मा है शिवलिंग की यादगार में किसी न किसी तरीके को भगवान को याद कर रही है जैसे पुराने पुराने जमाने में हड़प्पा और जब ओल्ड सिविलाइजेशन में जो भी मूर्तियां खुदाई में मिली थी सबसे ज्यादा वो शिवलिंग ही थी क्रिश्चियन धर्म में एक आ, आ, खुदाई में उनको जहां शिवलिंग मिला उसमें से एक सिटी उन उसके आधार पर उन्होंने एक सिटी का नाम रखा है वेटिकन सिटी उसका शेप भी वैसा ही दिया है जैसे आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं ठीक है हर एक जगह पर हरेक धर्म की आत्मा और हर एक आप कहो शास्त्रों में भी जैन वेद पुराण महाभारत शिव की जितनी महिमा है वैसे उतनी कोई किसी भी देवता की महिमा नहीं है ठीक है समझने की बात है कि वही सब आत्माओं के पिता है वही सब आत्माओं के पिता है जिनको धर्मगुरुओं ने भी उंगली उठाकर उनका उनको मान दिया था तो देखो शिवलिंग के प्रमाण दुनिया में हर जगह पर आपको मिलेंगे ठीक है तो ये स्लाइड्स है आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिए ठीक है मुसलमान लोग भी जैसे मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पे अटैक किया था सब मंदिरों को तोड़ा था ठीक है तो उसमें एक अः मंदिर था शिवलिंग का वो शिवलिंग को तोड़ नहीं पाया ना खड्डे में से निकाल पाए ठीक है तो आज मुसलमान लोग उसी शिवलिंग को माथा टेकते हैं, कलमा लिखा है उसके ऊपर ठीक है जिससे हिंदू लोग उसकी पूजा ना करें, देखो ठीक है तो मुसलमानों में भी पहले मूर्ति पूजा करते थे अभी नहीं करते लेकिन फिर भी निराकार के रूप में शिवलिंग की यादगार बनी हुई है पत्थर जैसे हमने पहले भी देखा था संगे अश्वद पत्थर काबा में जब तक वह चुमन ना करे तब तक उनकी हज यात्रा संपूर्ण नहीं होती है तो वो संगे अश्वद किसकी यादगार है जो श्वेत नहीं है वो है शिवलिंग की ही यादगार मक्का में भी पहले जैसे हमने पहले भी कहा मुक्तेश्वर मुक्तेश्वर शिव का मंदिर हुआ करता था भविष्य पुराण में भी कहा है बहुत सारे वीडियोस और डॉक्यूमेंटरी भी है आप देख सकते हैं ठीक है तो दुनिया के हर एक कोने में कोई भी आत्मा धर्म की आत्मा हो शिवलिंग की शिवलिंग को किसी न किसी तरीके से वो पूजती है नमन करती है रिगाट करती है बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे कि वो रिगाट कर रहे हैं है ना जैसे एक शिव का जो नाम है है ना जैसे अल्लाह कहते हैं मुसलमान लोग लेकिन ये नहीं पता अल्लाह वो शिव को ही कह रहे हैं उन इनके शास्त्रों में सबा शब्द आया है शैव शब शब्द आया है ठीक है बेनिफिशियंट आया है लेकिन ये नहीं मानते कि वो शिव ही है तो भगवान को मानते हैं जिसको मानते हैं वो शिव ही है लेकिन पता नहीं है उनकी सच्चाई हम लोग को भी नहीं पता थी अभी भगवान हमें अभी बता रहे हैं ठीक है कि शिव अः एक ही है भगवान एक ही है और एक ही शरीर के द्वारा वो अनेक अनेक रूपों में प्रत्यक्ष होते हैं ठीक है ये शास्त्रों के रेफरेंस है डॉक्टर वीरेन्द्र देव दीक्षित जी का जो रिसर्च उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च किया है उससे उसके ये प्रमाण है चाहे तो पढ़ सकते हैं ठीक है महाभारत में भी कहा हुआ है ठीक है पहले एक लाइट थी एक अंडा अंडा का फॉर्म था उससे वो एक बीज था उससे सृष्टि का फिर उत्पत्ति हुई है भी और कुछ नहीं था पहले सब धर्म वाले मानते पहले एक प्रकाश था अंडा शेप फॉर्म था ठीक है बाद में उससे ही पूरी उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले कौन था वही एक है भगवान आके ही हमें अवेकन करता है सबको अपने स्वरूप अपने अस्तित्व की पहचान देता है जैसे कि हमारा दिव्य जन्म होता है ठीक है तो ये समझने की बात है तो देखो शिव के इतने सारे एट्रीब्यूट दिखाते हैं ठीक है शिव के दिखाते हैं वो उसके दिव्य कर्तव्य की यादगार है ठीक है भगवान के जो अलग अलग नाम दिए हैं वो काम के आधार पर है ठीक है लेकिन एक ही नाम है आम, जो भगवान के विशेष कार्य का प्रतीक है वो है कल्याणकारी ठीक है जिसके आधार पर वो भगवान कहलाता है इसीलिए उसका नाम शिव है ठीक है बाकी उसके जो काम है ठीक है फर्स्ट है कल्याण किस कैसे कैसे कल्याण करता है वो सब उसके कर्तव्य के आधार पर है ठीक है तो वो खुद उसके नाम नहीं है उसके कर्तव्य है ना, तो है है ठीक तो देखिए ये किरणे हैं बत्तीस किरणे बत्तीस कर्तव्य भगवान के तो वैसे अनगिनत कर्तव्य है तो एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया है ठीक है भगवान निराकार के रूप में ऐसे ही बिंदु के रूप में नहीं करता है जिससे जैसे मुसलमानों भी मानते हैं बहुत लोग मानते हैं भगवान एक एनर्जी के रूप में कुछ भी कर सकता है किसी के थ्रू भी कुछ भी करवा सकता है अल्लाह ने ये करवाया अल्लाह मिया ने वो करवाया ठीक है ऐसे ही भगवान चमत्कार कभी भी कर सकता है ठीक है तो ये समझने की बात है ठीक है कि हम अपनी भावना के आधार पर जब हमारा अच्छा हो गया भगवान ने कर दिया ठीक है जब हमने चाहा ये भगवान ने नहीं किया तो भगवान ने नहीं किया कर देते हैं ठीक है हम वास्तविक सत्य को देख नहीं पा रहे हैं ठीक है तो यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि ये सब कर्तव्य भगवान किसी की भावना के आधार पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है कि जो जब चाहे मैंने ये किया तो उसको ऑथोरिटी नहीं देता है समझने की बात है ये भगवान के कर्तव्य है जो भगवान स्वयं करते हैं एक शरीर लेकर ठीक है एक ही मनुष्य तन में आते हैं मुकदर रथ में जो अभी वो आए हुए हैं ठीक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सत्य है ठीक है ये ही सत्य है ये सत्य को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम आत्मा का उद्धार नहीं कर सकें ठीक है तो भगवान कहते हैं देखो डिफरेंट डिफरेंट कर्तव्य है जो भगवान ने किए हैं ठीक है आ, सबका कल्याण करने के लिए तो भगवान कहते भगवान कैसे कर रहे एक तो है ज्ञान सत्य ज्ञान के आधार पर ही जो भगवान को पहचानते हैं वो महसूस कर सकते हैं ठीक है तो भगवान के कौन कौन से भगवान अभी सत्य ज्ञान देकर पहले तो सत्य ज्ञान दाता है है ना इसलिए भगवान को ट्रुथ कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज भगवान का यहाँ एक अट्रीब्यूट दिखाया भी है है ना कि भगवान ओशन ऑफ नॉलेज है ज्ञान का सागर है तो अभी आप देख सकते हो कि ये ज्ञान कित में कितनी गहराई है ठीक है कितनी सच्चाई है ज्ञान में क्यों गहरा जाना जरूरी है क्योंकि भगवान खुद गहरा है ठीक है इसीलिए हम भी गहराई में जाएंगे तो शांति को प्राप्त करेंगे सागर है तो सागर में जितनी गहराई में जाते हैं तो शांति को प्राप्त करते हैं तो भगवान का ज्ञान है सत्य ज्ञान ओशन ऑफ नॉलेज जो भगवान अभी दे रहा है अखुद ज्ञान अखुट सत्य ज्ञान है ना तो सत्य गीता ज्ञान दाता है भी वही दे रहा है भगवान सच्ची गीता बता रहे हैं ठीक है भगवान बिस्टोर ऑफ पीस है शांति दाता है ठीक है ओशन ऑफ लव है प्योरिफायर है पतित पावन है जिसे हम कहते हैं ठीक है सुख का दाता है ठीक है लिबरेटर है ठीक है हाँ। ना, भगवान जो है हमें जन्म के चक्र से मुक्त करता है मुक्ति दाता है है हाँ। ना और भगवान जो है हमें आ, सुख देता है आ, और भी कर्तव्य है रही? तो वो आ, दिव्य गुण हमारे में दिव्य गुण भरता है ठीक है दिव्य गुण दाता है आ, हमें आ, दिव्य दृष्टि देता है ठीक है इसलिए भगवान कहते हैं सृष्टि से दृष्टि से सृष्टि सुधाते हैं भगवान है ना आ, भगवान तीनों कालों का ज्ञाता है ना त्रिकालदर्शी भी कहते हैं ठीक है ठीके? भगवान आ, पति को पावन बनाता है वो तो हमने कह दिया ठीक है और भगवान हमें नर से नारायण बनाते हैं ठीक है ठीके? तो भगवान तो वही करने आया है राइट मनुष्य से देवता बनाने आए हैं ठीक है ठीके? हमारी नैया पार कराने आए हैं हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने आए हैं कर्मों की गुह गति बताने आए हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं अखंड सुख शांति का वर्षा देने आए हैं हेविन है क्रिएट करने आए हैं इसलिए उसको हेवनली गॉड फादर भी कहते हैं सत्युग्र रचने आया है शिव भगवान कहते हैं ठीक है थीके? तो भगवान को ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता कहते हैं भगवान स्वयं आके अभी आ, मात माता पिता बाप टीचर सदगुरु का रोल प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा निभा रहे हैं ना ये सब प्रत्यक्ष रूप में इसलिए गीता में आया ना नवमे अध्याय में प्रत्यक्ष वागम प्रत्यक्ष रूप में भगवान करे ठीक है फिर ये ये जो है जिस शरीर के द्वारा भगवान ने काम किए उनके देखो कितने सारे नाम हैं कराने वाला कौन है ना, लेकिन नाम किसके पड़ते हैं शरीर पे पड़ते हैं भगवान का एक ही नाम है शिव ठीक है तो ये भगवान बारह ज्योतिर्लिंग है और भगवान के बार मुख्य कर्तव्य की यादगार है ना सोमरा सोमनाथ सोमरस पिलाने वाला विश्वनाथ है ना सब आत्माओं का विश्व सब आत्मा विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाला ठीक है अमर कथा सुनाने वाला कर्मों का का ज्ञान देने वाला ठीक है महाकालेश्वर ये काल अभी ये कलयुग के अंत में हम आ चुके हैं है ना तो ये पवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया में बदलने वाला शास्त्रों का सार बताने वाला वैद्यनाथ ठीक है हमें अभी वैद्यनाथ हमारे में ये विकार की इम्प्योरिटी है तो भगवान हमें ये ज्ञान सत्य ज्ञान की दवाई से योग की शक्ति से हमें हील कर रहे हैं भगवान जो मेडिटेशन हम कहते हैं राइट भगवान हम का, हम काटे काटे हम काटे रूपी आत्माओं को फूल बना रहे हैं ठीक है केदारनाथ लॉर्ड ऑफ लिबरेशन रामराज्य स्थापन करता है ठीक है तो भगवान जी आत्माओं के द्वारा आ, ये कार्यों को अम्मण करते हैं स्टार्ट करते हैं और संपूर्ण करते हैं उन आत्माओं की यादगार में भी शिवलिंग के नाम दिए गए हैं रामेश्वरम गोपेश्वरम। आगे के सेशन में जानूंगी जो जो दो श्रेष्ठ आत्मा है जिनके द्वारा भगवान आ ये कार्य की शुरुआत करते हैं और कार्य अः ये भगवान के तीन कर्तव्य है आ, वो भगवान संपन्न करते हैं ठीक है थीके? तो ये समझने की बात है आगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी ठीक है तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है कि भगवान अम्म निराकार के रूप में कोई पूजा नहीं होती है भगवान जिस शरीर में आते हैं उस शरीरधारी को हम पूछते हैं ठीक है तो अभी हम आगे जानेंगे शिव और शंकर के बीच में अंतर अभी हमने बोला कि भाई एक शरीर में दो आत्माएं हैं ठीक है ठीके? एक शरीर में दो आत्माएं हैं ये अभी डाइजेस्ट नहीं होगा बट ये रियलिटी है ठीक है आपको ये समझना आवश्यक है कि एक शरीर में दो आत्मा है तो वो जो दूसरी आत्मा है भगवान शिव नेत्र के रूप में शंकर में प्रवेश है और उनकी उसके मन और कर्मेंद्रियों का उपयोग करके भगवान अभी हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं ठीक है ठीके? तो भगवान जिस शरीर में आए हैं वो मनुष्य आत्मा सिर्फ भगवान की याद में बैठी है लेकिन भगवान जिसका शरीर उपयोग करके है ना हमने बहुत बार ऐसे सुना है प्रूफ भी देखा है कि इसमें भूत भूत प्रवेश कर गया ठीक है तो भूत प्रवेश कर जाता है तो आत्मा एकदम अलग बिहेव करने लगती है जो आत्मा आई उन्होंने उस शरीर का कंट्रोल ले लिया ठीक है तो भगवान तो भूत है नहीं भगवान को खुद का किसी भी जात का शरीर नहीं है तो भगवान एक आ, अपनी सटल स्टेज में ही आते हैं जिसमें आते हैं उनको भी अपनी आत्मा का ज्ञान होता है वो तो आते हैं तब उनको पता भी नहीं चलता है एक्चुअली एटलीस्ट भूत आत्मा आती है तो किसी को पता तो चलता है वो आ गई लेकिन भगवान इतना सूक्ष्म है जो वो जिस शरीर में आता है शंकर में उनको पता भी नहीं चलता कि भगवान आ गए ठीक है तो ये समझने की बात है तो एक और एग्जाम्पल से हम ये बात समझते हैं गीता के ऊपर हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है ठीक है तो गीता के फ्रंट पेज पर जो पिक्चर दिखाया है तो लोग समझते हैं कि फिजिकल रूप में कोई व्रत है वहां कृष्ण के रूप में कोई व्यक्तित्व बैठा है और पीछे अर्जुन जो है वो एक अलग व्यक्तित्व के रूप में बैठा है एक्चुअली ये चित्रकार ने एक प्रतीक दिखाया है प्रतीक के रूप में ठीक है ये चित्र ड्रॉ किया है हकीकत में वैसा नहीं है हकीकत में भगवान को ऐसे स्थूल रथ में नहीं आता है ठीक है कठोपनिषद का श्लोक भी हमने पहले देख लिया है आत्मा नम रथिम विद्य शरीरम रथमे ठीक है बुद्धिम तु सारथिम विधि मन रग रघ मेव तो यहाँ क्लियरली बता रहे हैं देखो कि ये शरीर एक रथ है ठीक है और इसका रथी कौन है है ना भगवान जो शरीर में आए हैं वो रथ है ठीक है और रथी कौन है जिसका वो शरीर है ऑफ कोर्स जिसको भगवान राम की आत्मा कहते हैं ठीक है थेके? जो शंकर जो शंकर का शरीर ओन करता है ठीक है तो वो आत्मा मनुष्यधारी आत्मा ठीक है जिसका शरीर है वो रथी है अर्जुन ठीक है उसका एक अलौकिक नाम अर्जुन भी है पुरुषार्थ का अर्जुन करने वाला ठीक है विसारथी कौन है ठीक है हमने देखा राइट माइंड इंटेलेक्ट संस्कार के लेसन में ठीक है कि इंटेलेक्ट जो होता है वो सारथी है ठीक है जो मन रूपी रस्सी की लगाम देता है मन की मन जो रस्सी है उसको लगाम देता है ठीक है जिससे इंद्रिया कंट्रोल हो सके ठीक है तो यहाँ भी वैसा ही है बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है जिसका गुणवाचक नाम कृष्णा है ठीक है वो हमने ऑलरेडी समझ लिया है ठीक है तो भगवान एक आत्मा है तो यहाँ समझना है एक शरीर दो आत्मा ठीक है एक भगवान की आत्मा जो यहाँ कृष्ण के रूप में उसके रथ को कंट्रोल करते हुए दिखाया है उसके मन का उपयोग करके इंद्रियों का आ, वो उपयोग कर रहा है ठीक है इंद्रियों के द्वारा ज्ञान दे रहा है ऐसे समझ लीजिए ठीक है तो भगवान जब उनमें आते हैं तो उनकी बुद्धि से वो पावरफुल होने के कारण वो उनके मन का कंट्रोल लेकर मन का कंट्रोल माना मन का उपयोग करके ये शरीर आ, का कंट्रोल ले लेते हैं ठीक है मन को वो कंट्रोल नहीं करते हैं ठीक है क्लरिफाई करेंगे मन का उपयोग करके शरीर को कंट्रोल करते हैं माना शरीर का उपयोग करते हैं ना भगवान को ज्ञान देने के लिए उसकी इंद्रिया तो उपयोग करनी होगी ना ठीक है तो अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है प्लीज कांटेक्ट करके इसको क्लियरली समझ लीजिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि भगवान के रियल में आया हुआ है कि नहीं ठीक है तो अभी हम एक बात समझेंगे कि शिव और शंकर कैसे अलग है ब्रीफ में समझेंगे ठीक है फिर आगे की रिकॉर्डिंग में आपको वापस उसके ऊपर सुनने को तो मिलने ही वाला है ठीक है तो शिव और शंकर अलग कैसे है ठीक है तो बहुत सिंपल है शिव अभी हमने जाना ठीक है अलग है शंकर अलग है शिव भगवान है शंकर एक मनुष्य धारी आत्मा है लेकिन मनुष्य में श्रेष्ठ है तैतीस करोड़ में सबसे ऊंची कुड़ी के आत्माएं देव आत्माएं में से भी में ऊंचते ऊंच है जो है देव देव महादेव ठीक है तो ऊंचते ऊंच देवता है लेकिन वो जनम के चक्र से गुजरते हैं हमने ऑलरेडी जान लिया है कि हर एक देव आत्मा जनम के चक्र से गुजरती है तो वो भी गुजरते हैं ठीक है वो भोगी है क्योंकि वो जनमन के चक्र से गुजरते हैं तो है है, सतोल जो तमो गुणों से पसार होते हैं ठीक है लेकिन वो नंबर वन हीरो एक्टर है ठीक है लेकिन भगवान तो जन्म के चक्र में आते नहीं है ठीक है तो वो भगवान है सब निराकार आत्माओं का बाप ये मनुष्य सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के बाप है ठीक है भगवान तो अजन्मा है अभोक्ता है अकर्ता है वो सदा पवित्र रहते हैं ठीक है थीके? भगवान सदा आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो सब हमने जाना जो भी हमने डिफरेंसेस जाने थे भगवान और आत्मा के बीच में अंतर वो यहाँ अप्लाई होते हैं ठीक है थीके? लेकिन इसमें एक बात जाने की ये है कि शंकर भगवान के समान बनता है थोड़े समय के लिए ठीक है वो उनके जैसी निराकारी स्थिति को धारण करते हैं इसीलिए उसको लिंग रूप में पूजा जाता है वो उनकी संपन्न स्थिति अवस्था की यादगार है ठीक है तो आ, श, शंकर भी सबसे ऊंचे पुरुषार्थी है भगवान के समान बनते हैं और आ, भगवान आ, के गुण को सब गुण को धारण कर लेते हैं ठीक है इसीलिए शिव और शंकर को एक समान मान लेते हैं तो जिस स्मृति से हमने ये ये, ये शरीर छोड़ा था अंत में तभी हमने शिव और शंकर को जैसे कि एक एकाकार हो गए थे वो रूप हमारे मन में रह गया था तो आके ही शास्त्रकारों ने आके ही शास्त्रों में एक ही दिखा दिया तो भगवान अभी सच्चाई बता रहे हैं उनको एक समझेंगे तो भगवान आ, रियल भगवान से हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि भगवान जिसमें आए हैं वो तो ही है वो तो अभी भगवान नहीं है अंत में बनते हैं ठीक तो है तो इसलिए शिवलिंग को आप देखो शिवलिंग के पहले शिवलिंग को एक डायमंड लिंग के रूप में पूजा जाता था ठीक है फिर सवर्ण लिंग गोल्डन शिवलिंग बनाया गया फिर सिल्वर का शिवलिंग बनाया जाता था पूजने के लिए फिर ताम्रलिंग अभी लोहलिंग ठीक है लोहलिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि भगवान जब वो पतित होते हैं पतित पावन कहते हैं ना भगवान उसी में आके पतित तन से ही सबका कल्याण कर ठीक है लेकिन ये ये उन मनुष्यधारी आत्मा के स्टेजेस का प्रतीक है जो हमें बताते हैं कि ये लिंग है एक शरीरधारी की यादगार ठीक है तो एक शरीर में दो आत्माओं का और एक एग्जाम्पल है ऋग्वेद में एक ऋचा आई है त्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समनम वृक्षम परिशेष ना ना ये एक सृष्टि रूपी वृक्ष है उसमें दो पंछी बैठे हुए हैं मतलब एक शरीर में ये सृष्टि में एक डाली में ये शरीर में इधर भगवान हमें रिलेट करके बता रहे हैं ठीक है कि यही सृष्टि में ये मनुष्य तन में दो आत्माएं हैं ठीक है एक भोगी है एक भोगता है ठीक है लेकिन वो भोगी आत्मा भी पुरुषोत्तम का पद प्राप्त करती है जब भी अः वो उनके जैसा बन जाते हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए शिव शंकर को एक क्यों कहते हैं अभी आपको पता चला अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो बातचीत कर सकते हैं कलंकी घर के रूप में गायन है राइट शिव का अवतार जो है अंत में गाया हुआ है तो वो शंकर की ही यादगार है जिसमें अभी भगवान आए हुए हैं वही कल कलंकीधर की धर कल की धर के रूप में शास्त्रों में जाने गए हैं ऋषि के बीच है जगतम पित्रम वंदे पार्वती परमेश्वरों इसको वर्ल्ड फादर भी कहते हैं अविनाशी है ठीक है आ, और इसमें बताया भी है वो, वो सबका उनके द्वारा सबका कल्याण होता है तुम्हारे देव पुरुष पुराण पुरातन पुरुष भी है ठीक है हाँ तो वो समझने की बात है और इसीलिए देखो क्योंकि वो बच्चा है और शिव बाप है एक पर्सनालिटी दो आत्माएं हैं इसीलिए दो नाम है शिव और शंकर ठीक है समझने की बात है देखो शिव और शंकर क्यों कहते शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते हैं तो यही उसकी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि शिव ही है उनमें कार्य करते हैं बड़े बड़े कर्तव्य करते हैं कल्याणकारी कर्तव्य और रात्रि में ही भगवान आते हैं अभी कलयुग के अंत में ठीक है और शिव ही उन शिव के द्वारा ही वो अपने आप को उनके जैसा शिव शंकर शिव के समान बनते हैं इसलिए शिवलिंग बोला है ठीक है शिव नेत्र है क्योंकि भगवान की प्रवेशता है उनमें तीसरा नेत्र है वो भगवान की प्रवेशता का सबूत है ठीक है तो इसीलिए ये समझने की बात है कि ये शास्त्रों में ऐसे क्यों बताया गया भगवान के सिवा भी कोई क्लियर नहीं करता है ना क्लियर इंटेलेक्ट ही हमें ध्यान करवा सकता है अगर बुद्धि में ये क्लैरिटी नहीं है तो हम ध्यान नहीं कर सकते हैं ना इसलिए ये जानना जरूरी है ठीक है अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए आगे के सेशन के लिए बेस्ट ऑफ लॉक यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परम पिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुदेव कुटुम्बकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूज सुख शांति का अनुभव होता है क्योंकि यहां स्वयं भगवान पड़ा रहे हैं है कल है, आने वाला है, है परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है वर्तमान में परम पिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा जिनको आदि पुरुष अथवा एडम आदम आदिदेव शंकर आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज राज योग का श्रीमद् गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परम पिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति